आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीडियो की नई भर्ती की, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती अपडेट की और 6800 शिक्षक भर्ती की, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती का विज्ञापन जारी। पुरानी वीडियो भर्ती भले ही कंप्लीट ना हो पाई हो, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार वीडियो की नई भर्ती के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये आज ही के समाचार पत्र जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि ग्राम विकास अधिकारियों के 2112 पदों का अधिसूचना पहले ही तैयार हो चुका है और ये भर्ती जल्द होगी, और इसी के साथ में स्टेनोग्राफर और कनिष्ठ लिपिक की भी भर्ती होगी। उसी क्रम में अभी थोड़ी देर पहले टीवी चैनल के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि सरकार बहुत जल्दी वीडियो की भर्ती कर सकती है। ये देख सकते हैं यूपी तक ने ये ट्वीट किया है, लिखा है जल्द ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर प्रदेश में होगी भर्ती, जाने क्या है सरकार की तैयारी। तो वहीं पर जब हम इसको क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ यूपी में जल्द होगी ग्राम विकास ये भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर कि कितनी क्या योग्यता है, और बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। तो अभी तो नहीं आएगी इस ये भर्ती, अभी तो इसके विज्ञापन नहीं आना है, लेकिन इस साल के अंत में इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो जरूर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ऐसे पद हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिनकी कमी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती है। इस सरकार का जो कामकाज होता है, जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं, इसलिए सरकार इस भर्ती को जल्दी करेगी। जैसे ही पिछली भर्तियां कंप्लीट होंगी वैसे ही आपको इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। पूरी संभावना है कि जो नया वाला पीईटी जिसका विज्ञापन जून में आना है उसी पीईटी के बाद में ही इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी होगा। अब बात करते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। बहुत सारी भर्तियाँ हैं वो लंबित हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग की हों चाहे वो UP SSC की हों। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में चूंकि समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि ये जो भर्ती, और टीवी चैनलों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि इस भर्ती की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, तो इस चीज़ ये चीज़ें चर्चा में थी कि ये भर्ती रद्द तो नहीं हो रही है, करप्शन की जाँच तो नहीं हो रही है। तो कल बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो PNP गए थे और वहाँ पर प्रदर्शन किया था। विद्यार्थियों ने पूछा कि आखिरकार ये जो भर्ती है एडेड जूनियर हाई स्कूल वाली, ये भर्ती कब कम्प्लीट होगी। PNP की तरफ से कहा गया है कि नए सत्र में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, रिजल्ट इसके रिवाइज होगा, कम से कम 1-1.5 महीने बाद इसके जो रिजल्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। अभी जो है जो कमेटी बनाई गई है, जो विद्यार्थियों के जो प्रत्यावेदन है उससे OMR निकाला जाएगा, OMR चेक किए जाएंगे कि आखिरकार इन विद्यार्थियों के नंबर कम क्यों आए हैं, उसके बाद में रिजल्ट रिवाइज्ड होगा। रिजल्ट रिवाइज्ड होगा उसके बाद में भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो PNP ने कम से कम 1.5 से 2 महीने तक विद्यार्थियों को इंतजार करने के लिए कहा है। विद्यार्थियों ने पूछा कि क्या ये भर्ती रद्द हो सकती है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। वैसे वो PNP कैसे कह सकता है कि भर्ती रद्द होगी, वो तो शासन इस पर निर्णय लेता है, फिलहाल उन्होंने सिरे से इसको इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल अभी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती लटकी हुई है, विद्यार्थियों को केवल इंतजार करना होगा। अगली जो सूचना है वो 6800 शिक्षक भर्ती की है। जो हाल एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का है वही हाल 6800 का भी है। चयनितों की जो सूची है वो जारी हो गई है, उसके बाद में भर्ती की जो प्रक्रिया है वो रुक गई है। ये विद्यार्थी जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं, और आज इन विद्यार्थियों ने लखनऊ में जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार, उनके यहाँ दस्तक दिया, उनके यहाँ पर प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर के शुरुआत हो गई है नए शिक्षक मंत्री के आवास पर प्रदर्शन की। जो आप लोग देख रहे हैं ये विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में, और अब शुरुआत हो चुकी है। इसी तरीके से आगे और प्रदर्शन होंगे, क्योंकि विद्यार्थी करें भी तो करें कि अधिकारी कुछ करते नहीं है। भर्तियां सभी रुकी हुई हैं, चाहे एडेड की भर्ती हो चाहे वो कोई अन्य भर्ती हो। तो ये OBC SC ST के जो पीड़ित छात्र हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के, उनका ये आरोप था कि सरकार ने आरक्षण का पालन ढंग से नहीं किया है, आरक्षण का सरकार ने घोटाला किया है। और उन्होंने हवाला भी दिया कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने भी माना है, और उसने भी उसके बाद विद्यार्थियों ने वो पत्र मुख्यमंत्री को दिखाया, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, सूची जारी हुई, लेकिन भर्ती की जो प्रक्रिया वो रोक दी गई है। विद्यार्थियों ने जब ये प्रदर्शन किया तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का बयान आया आज, उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है, जैसे ही मामला कोर्ट से निस्तारित हो जाएगा वैसे हम भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे, हम भर्ती को खुद ही नहीं रोकेंगे, मामला कोर्ट में इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। और उम्मीद है कि सरकार 6800 शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द आगे बढ़ाएगी। अंतिम सूचना है असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती का जो विज्ञापन है वो आज जारी हो गया है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है। लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में
असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार upsconline.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या कुल 253 है, इनमें से BSF में 66, CRPF में 29 और CISF में 62, ITBP में 14, SSB में 82 वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10 मई रखी गई है। उम्मीदवारों का जो चयन है वो लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी। तो अगर आप योग्यता रखते हैं तो इसके लिए आज ही आवेदन कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।